हमारे यहाँ पे आज चुनाव की घोषणा के बाद जो तारीखें निकल के आ रही, सीतापुर में 8 विधानसभा फेज 4 में जा रही है और एक हमारी विधानसभा सिधौली फेज 5 में जा रही है। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो इमीडिएटली लागू होगा। इस बार हम लोगों ने अपने इलेक्टोरल रोल पे बहुत बृहद रूप से काम किए हैं और जो हमारे महिला वोटर और यूथ वोटर्स, इन दोनों को यहाँ पे हम लोगों ने जोड़ने का काम किया है और गत वर्षों से इसमें काफ़ी अच्छी वृद्धि भी हुई है। इसके अलावा जो हमारे छूटे हुए वोटर्स थे उनको भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके इस बार उनकी भी संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। इससे जो हमारा जो ईपी रेशियो है, जो टोटल जो हमारे इलेक्टर्स हैं प्रति पॉपुलेशन, उसकी भी संख्या में वृद्धि हुई है। तो इलेक्टोरल रोल में हम लोगों ने अच्छा काम करने का प्रयास किया है। इसके अलावा जो बूथों पे भी जो आयोग के निर्देश हैं उसके अनुसार हम लोग सब वहाँ पे व्यवस्थाएं कराएंगे। आप लोगों के माध्यम से मैं बस ये आग्रह करना चाहता हूँ कि हम लोग इस बार हमारे जनपद का जो वोटिंग प्रतिशत है वो इस बार अच्छी संख्या में बढ़े, हम लोग नेशनल एवरेज के ऊपर रहें और इस बार माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम में समस्त सिक्योरिटी मेजर्स लेते हुए एक फ्री फेयर इलेक्शन यहाँ पे हम लोग संपन्न कराएंगे, ऐसा मुझे आशा है। सर, जनपद वासियों के लिए कोई जनपद वासियों के लिए मेरा यही संदेश है कि अधिक से अधिक संख्या में आके यहाँ पे मतदान करें। हमारे जो सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में जो वोटिंग होता है वो प्रायः स्टेट एवरेज के नीचे जाता है। इसके अलावा कभी कभार जो मिश्रिक विधानसभा है वो भी स्टेट एवरेज के नीचे जाता है। तो स्पेशली इन दो विधानसभा क्षेत्रों के जो वासी हमारे, उनसे मेरा आग्रह है कि वोटिंग का अधिकार अपना अवश्य प्रयोग करें और हम लोग को इस बार प्रयास करना चाहिए कि हमारे समस्त विधानसभाओं में इंडिविजुअली भी वोटिंग परसेंटेज जो नेशनल एवरेज है उसके कहीं ऊपर रहे। मूली तहसील का गांव पड़ता है सरिया में, वहाँ कई बार देखा गया है कि चुनाव को लेकर वोट बहिष्कार कर देते हैं और एक मौके पर SDM और CO जाकर उनको मनाते मान मनोवर कर कम ही संख्या में वो लोग वोट जाते हैं उनके लिए। देखिए, इस बार ये समस्या है हमारे संज्ञान में, हम लोग को इसका समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कुछ रेलवे फाटक से संबंधित इश्यू है तो हम लोगों ने संबंधित विभाग से भी उसको टिकअप किया है और हम लोग प्रयास करेंगे कि इस बार की ये समस्या का व्यापारियों को लेके मेरा ये संदेश रहेगा कि इस बार जो उनका कैश का जो मूवमेंट वो करते हैं वो MCC के नियमों का संपूर्ण पालन करते हुए करें, जिससे कि उनको किसी भी प्रकार से दिक्कत इसमें ना आए, ये मेरा आग्रह रहेगा। इसके साथ ही साथ जो संबंधित दिन जिस दिन वोटिंग होता है उस दिन अपने अपने प्रतिष्ठानों में वो लोगों को वोट करने के लिए उस दिन का अपना अवकाश रखें, जिससे कि सभी लोग इसमें प्रतिभाग कर सकें। ये दो अपील मेरी।